गुरुवार को दिल्ली के द्वारका क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ संदिग्ध अपहरणकर्ताओं ने एक 22 साल के लड़के का अपहरण करके उसे जान से मार दिया और सबूत मिटाने के लिए उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलग अलग सेफ्टी टैंक्स में डाल दिया। श्री रामनाथ यादव बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में आकर अपने बेटे सचिन यादव के बारे में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरा लड़का 12 तारीख से काम पे गया था सुबह में किसी के साथ और घर वापस नहीं आया। इसके बेसिस पे एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। फिर उन्होंने 15 तारीख को आकर बताया कि उनको मोबाइल पे फिरौती मांगी जा रही है 50 लाख रुपए की। सचिन छावला क्षेत्र में एक कारपेट की दुकान में काम करता था। 12 मई को वह अपने घर नहीं लौटा, जिसके बाद किसी ने 15 मई को सचिन का फ़ोन उठाया और कहा कि सचिन उनके कब्जे में है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन नंबर की जांच के बाद अपराधी भूषण कुमार सिंह और विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में भूषण ने बताया कि विक्की, जो कि उसका जीजा है, उसने पैसों के लिए फ़ोन किया था। अब बिहार में उनकी लोकेशन आ रही थी। बिहार में फिर पुलिस टीम भेजी गई तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में जाकर फिर इन्हें पकड़ा गया और वहां पर कोर्ट में पेश करके इन्हें लाया गया। फिर दिल्ली के कोर्ट में भी पेश किया गया और फिर पुलिस रिमांड पर लेके आया गया। फिर इनसे पूछताछ गहन पूछताछ के दौरान फिर पता चला कि इन्होंने सचिन को 12 तारीख को ही उसका कत्ल कर दिया था और उसके बॉडी को अलग अलग पीसेज में करके और सेप्टिक टैंक में डाल दिया था।